Good evening everyone, Shivani Sharma, your English teacher. Once again I am in front of you with my new video as second part of the lesson, first lesson of 9th class, the fun they had. I am sure you must have seen my first part of this lesson where we discussed that Tommy had found a book. Tommy ko ek book mili thi. कौन सी बुक थी? दैट वॉज अबाउट ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, मीन्स दिस टाइप ऑफ स्कूल, आज के स्कूल्स के बारे में. क्योंकि टॉमी एंड मार्क जो किस ईयर के बच्चे हैं, दे आर बिलोंगिंग टू 2157 उसकी है. एंड इसको थोड़ा सा पीसफुली सोचना है कि क्या कह रही हूँ. 2157 इतने सालों बाद कैसे स्कूल होंगे ये सब, राइट? और वेन टॉमीज हिस्ट्री सेक्शन हैड ब्लैंक आउट. And that was the teacher was taken away by that county inspector. Margie ke usme bhi problem aayi thi, but Margie wasn't happy kyunki uska jo school tha usi time theek ho gaya tha. School theek ho gaya tha means mechanical teacher theek ho gaya tha. Aur usko theek karne kaun aaya tha? County inspector. Ye sab hame ye sari terms hame yaad rakhni hai. Tommy is 13 years old, Margie is 11 years old, right? Tommy finds a book, right? And that book is about schools, old kind of schools. Margie writes that in her diary. और मैंने एडवर्ब्स का यूज उसमें डिस्कस किया था थोड़ा सा इन वन ऑफ टू लाइंस. सो बाय द एंड ऑफ दिस लेसन, बिफोर स्टार्टिंग विद सेकंड लेसन, यू मस्ट बी फेमिलियर विद ऑल दिस, व्हाट इज एडवर्ब एंड अगेन द यूज ऑफ टेंसेस. सो इन सेकंड पार्ट व्हाट वी विल डिस्कस, टॉमी इज ट्राइंग टू इम्प्रेस अपॉन मार्गी. वो उसको लग रहा है कि मार्गी को मैं इम्प्रेस कर दूँ कि मुझे तो बुक मिली है, राइट? उसको बहुत एक तरह से उसके सामने बहुत वो कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, सुनता नहीं है. लेकिन मार्गी छोटी है उससे, उसको लगता है मुझे भी बताओ दिखाओ बुक क्या है, स्कूल के बारे में लिखने की क्या ज़रूरत है, ये सब तो वेस्ट है, ऐसी बुक क्यों है. तो क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, देर वो छोटे बच्चे हैं इन द सेंस के दे हैव नंबर ऑफ क्वेश्चन. और वो बच्चे भी कौन से, आज से 157 ईयर्स के बाद, 150 और 1 जितने भी साल है, राइट? So we will do in the next part of this lesson, what is that? So when Tommy told her that in the old kind of schools that the students had human teachers, why this starts? They had human teacher, right? And when Margie came to know that human teacher, उसको लगा ह्यूमन कैसे कोई पढ़ा सकता है, ये तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं, कोई इंसान किसी को कैसे पढ़ा सकता है. क्योंकि उनको क्या आदत है कि अपने स्कूल्स को अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपने लेवल के अकॉर्डिंग सेट करने की. एंड दिस वाज द रीज़न दैट मार्गी वाज परफॉर्मिंग बैड इन ज्योग्राफी, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था दैट वॉज गियर्ड अप अब थोड़ा सा हाई लेवल के लिए उसका वो सेटिंग हो गई थी, राइट? सो वॉट शी सेज, अ मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ, अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ. जब मैं कुछ रीड आउट कर रही हूँ तो आपने उसको भी नोट करना है एंड देखना वॉट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स, ठीक है? वैसे मैं उसको स्क्रीन भी लेके आ सकती हूँ टेक्स्ट बुक में, बट आई वॉन्ट यू पीपल टू लिसन टू मी. हाउ डू आई रीड, राइट? वॉट इज द राइट वे, उसको राइजिंग फॉलिंग टोन में कैसे उसको पढ़ना है. रीडिंग स्किल्स भी हमारी लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग स्किल्स के साथ साथ, राइट? अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, नहीं, एक इंसान ह्यूमन बींग इतना स्मार्ट नहीं हो सकते कि वो किसी को पढ़ा सके, राइट? तो टॉमी कहता है ठीक है, अगर तुमने नहीं पढ़ना है इस बारे में तो रहने दो, छोड़ दो, राइट? व्हेन आई एम टेलिंग यू दैट ह्यूमन इज अ ह्यूमन यूज्ड टू बी अ टीचर, दैट मींस आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ. सो ही श्योर ही इज माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच. Margie wasn't prepared to dispute that. She said, "I wouldn't want a strange man in my house to teach me." Right? Again, this line is very important. I will not like any strange man. Right? अब उसको क्या लग रहा है? क्योंकि उसका जो mechanical teacher है, वो तो उसके घर में ही है, उसके bedroom के पास में, साथ में room में है. यदि मैं तो किसी human being को अपने घर में बिल्कुल नहीं आने दूंगी. हाउ कैन आई अलाउ एनी स्ट्रेंज पर्सन, किसी अजनबी को मैं अपने घर में क्यों कैसे आने दे सकती हूँ, सो दैट ही कैन टीच मी. एंड अगेन टॉमी करेक्टर, ओहो बेवकूफ, ऐसा नहीं है, बच्चे पढ़ने जाते थे. अगेन वन मोर शॉक पर मार्गी, बच्चे पढ़ने जाते थे, कहाँ जाते थे, लेकिन स्कूल तो घर में होता है. देन टॉमी टोल्ड हर दैट देयर यूज टू बी अ स्पेशल बिल्डिंग विच वॉज कॉल्ड स्कूल.
स्कूल, कि उन बच्चों की एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जिसको वो स्कूल बोलते थे, राइट। स्कूल होता है कॉमन नाउन, अगर उसका नाम है स्कूल का तो प्रॉपर नाउन। मैं आपको बीच में बताती जाऊंगी ग्रामर, सो दैट यू डू नॉट फॉरगेट दैट वी हैव टू स्ट्रेंथन आवर ग्रामर ऑल्सो, वी हैव टू इम्प्रूव इट। सो आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। You don't know much, Margie. The teachers did not live in the house. They had a special building and all the kids went there. अब जो टॉमी है उसको थोड़ी सी ज्यादा नॉलेज है तो वो उसका फायदा उठा रहा है। He screamed with laughter. Scream means चिल्लाना। यहाँ पर जो चिल्लाना हुआ है that is in a good sense. That is in the sense of laughing. Scream को हम shout भी बोलते हैं, right? ऐसे आपको words उसके आई मीन आपको सिनोनिम्स उसके आनी चाहिए, राइट। स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, उसके अरे यार ऐसा नहीं है कह रहा। बच्चे थोड़ी टीचर नहीं उनके घर में रहते थे, बच्चे जाते थे एंड दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, राइट। क्योंकि इस स्टेटमेंट के बाद क्वेश्चन मार्क है, सो ये आपको बोलते टाइम आपकी उसमें एक एक्सप्रेशन में आना चाहिए, हाउ एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, श्योर इफ दे वर द सेम एज। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. Just the same, they did not do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book, right? और उसने क्या, Tommy को लगा कि एक तो मैं इसको book के बारे में बता रहा हूँ and she is posing number of questions, ऐसे नहीं वैसे नहीं, मेरी mother ऐसा कहती है, कैसे बच्चे पढ़ते थे, मैं किसी को। Tommy कहता है ठीक है तुम्हें नहीं पढ़ना, रहने दो। नहीं, मुझे तो पढ़ना है फिर, क्योंकि वो छोटी और छोटी है तो नहीं मुझे तो पढ़ना है इसके बारे में, नहीं ऐसा मत कहो प्लीज। आई डेंट से आई डेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, क्योंकि उसके लिए जो इस तरह के स्कूल थे वो फनी स्कूल्स थे। कह रहे ये भी एक मजाक है, ऐसे स्कूल के बारे में तो मैं ज़रूर पढ़ूंगी। ये कैसे स्कूल थे, यहाँ पर ह्यूमन बींग्स पढ़ाते थे, बच्चे अलग से पढ़ने जाते थे, घर में नहीं टीचर होता था, इकट्ठे बैठ के पढ़ते थे। आई मीन दीज थिंग्स आर वेरी एबनॉर्मल फॉर हर, बड़ी शॉकिंग थी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता COVID-19 में, जब अचानक से आया कि आपको ऑनलाइन पढ़ना, मुझे लगा ओ इतनी लंबी क्लासेस कैसे लेंगे हम जूम पर, राइट। और उस टाइम हम टेक्नोलॉजी के साथ मुझे लगता हम बहुत ज़्यादा कोई वी वर नॉट वेरी मच फैमिलियर, राइट। सो I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They were not even half finished when Margie's mother called. Margie's school. और इतने में दोनों अभी टॉमी और मार्गी ये सब बातें कर रही थे और इतने में जो उसकी मदर की आवाज़ आ गई। मदर कौन है? मिसेस जोन्स, याद रखना आपको मिसेस जोन्स इज द मदर ऑफ मार्गी। मार्गी स्कूल टाइम, जैसे आपके घर में आवाज़ है बेटा चलो ट्यूशन का टाइम हो गया। So she said, Margie, this is school time now. That means कि अब आप कमरे में जाओ और स्कूल का टाइम वहाँ जाके। Margie looked up. Not yet, Mama. Now said Mrs. John. And it is probably time for Tommy too. कह रही नहीं तुम्हारा ही नहीं, मुझे लगता है टॉमी के स्कूल का भी टाइम हो गया। Margie said to Tommy, Can I read the book some more with you after school? Maybe, he said nonchalantly. उसने कहा अच्छा ठीक है, स्कूल के बाद मैं थोड़ी सी बुक तेरे साथ आके पढ़ लूँ क्या? उसने ठीक है देखेंगे पढ़ लेना, क्योंकि उसको तो अपनी वो दिखानी है, शान दिखानी है कि मेरे पास बुक है। जैसे बच्चे आपस में करते हैं ना क्लासरूम में, आप लोग भी करते हो ना, जब हमारे पास कुछ हमें लगता है कि हमारे पास कुछ बेटर है तो वी ट्राई टू शो इट ऑफ, हम सोचते हैं कि वी आर टू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, विच इज रॉन्ग। वी डोंट हैव टू शो इट ऑफ टू अदर्स, हमें दूसरों को ये नहीं दिखाना है दैट वी आर डिफरेंट फ्रॉम यू और यू आर डिफरेंट फ्रॉम अस। हमें कैसे रहना है सबके साथ, हमें सेम रहना है, किसी को ये नहीं बताना कि तुम हमसे कम हो। ऐसे वाले लेसन्स में साथ में तो आपको देती जाऊंगी, क्योंकि मैं बताती हूँ लिटरेचर इज़ फॉर लाइफ ऑल्सो, ठीक है। हमारी टीचर हमें जो जो चीज़ें सिखाती थी जिनको हम आज भी कोशिश करते हैं फॉलो करें, सो इन द सेम वे यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स सो दैट यू कैन कम आउट एज बेटर ह्यूमन बींग्स, अच्छे इंसान बन पाओ। खाली 90% 95% मार्क्स लेकर ही खुश नहीं होना है, उसके साथ ही हमें इन लर्निंग्स को वी हैव टू इम्बाइब इट, वी हैव टू इवॉल्व एज ह्यूमन बींग्स, ठीक है। बेटर स्टूडेंट, बेटर सन, बेटर डॉटर, अच्छे इंसान कैसे बनना जहाँ पर भी हम जाते हैं। तो उसने नॉन चैलेंटली एक वर्ड आ गया, नॉन चैलेंट कि ठीक है देखूंगा आ जाना, ठीक है लाइक दैट।
सो मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम. मार्गी अपने रूम में तो चली गई. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये मैं आपको बता चुकी हूँ. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. टाइम के अकॉर्डिंग उसका मैकेनिकल टीचर ऑन हो चुका है. द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, क्योंकि आज उसकी मैथ्स की क्लास है. लेकिन मार्गी इज लॉस्ट इन द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. उसको तो ये बोरिंग लग रहा है कि मैं कमरे में आके बैठ गई हूँ, वो जो उसकी स्क्रीन है वो होमवर्क पूछ रही है, बट शी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग. राइट, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंड मदर्स ग्रैंड फादर वॉज अ लिटिल बॉय. उसको लगता है जब मेरे दादा के भी दादा जो थे वो जब छोटे बच्चे थे वो ऐसे स्कूल्स में जाते थे. कैसे स्कूल्स में जाते थे? ये वाले स्कूल जो स्पेशल बिल्डिंग्स में होते थे, यहाँ पर ह्यूमन बींग टीचर होता था. फाइन, सो ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टूगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टूगेदर एट द एंड ऑफ द डे. दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. एंड द टीचर्स वर पीपल. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. सो दैट मीन्स Margie's mind was lost in her old kind of schools. Not in her, but in the old kind of schools. कि कितना अच्छा था. इसको उसको क्या लगता, अच्छा इसका मतलब बच्चे इकट्ठे जाते थे, इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठी क्लास में बैठते थे. हर चीज़ में वो क्या याद कर रही है, दे यूज. सो Margie इज थिंकिंग अबाउट टूगेदरनेस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ दैट टाइम, ओल्ड टाइम. जिस जो टाइम उसके लिए ओल्ड टाइम है, पुराना टाइम है, वो क्या सोच रही है कि द काइंड ऑफ फन दे हैड. उन बच्चों को कितना मज़ा आता होगा पढ़ने में, जब वो इकट्ठे पढ़ते होंगे, जब वो इकट्ठे बैठते होंगे, इकट्ठे एक दूसरे के साथ हंसते होंगे, बातें करते होंगे. राइट, और सबसे बड़ी बात कि पढ़ाने वाला एक ह्यूमन बींग, और जब एक ह्यूमन बींग एक इंसान इंसान से बात करता है तो देर आर नंबर ऑफ इमोशंस विच गेट एडेड टू दैट. एंड जब हम किसी को कुछ पढ़ाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, किसी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, सो इमोशंस ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दैट. सो शी इज अ मिसिंग दैट इमोशनल पार्ट, शी इज मिसिंग दैट टूगेदरनेस. राइट, सो मैं फिर से पढ़ रही हूँ एक बार वो लाइन. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, उनको कितना मज़ा आता होगा. एंड वन थिंग इम्पॉर्टेंट शी हैज़ शेयर्ड, वॉट शी इज सेइंग, दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. उसको लगता है कि कितना अच्छा होता होगा ना जब बच्चे एक ही जैसी चीज़ें पढ़ते होंगे, जब एक ही जैसी चीज़ें पढ़ेंगे तो एक दूसरे की हेल्प भी कर पाते होंगे. ठीक है, सो दैट मीन्स सो वेन वी आर a part of this kind of education system, when we are a part of this kind of school system, so we learn many many things. What is togetherness and helping each other. So helping each other, teamwork, right, getting attached with one another, right. So Margie is missing that part. लेकिन अब पहले उसने क्या कहा था इन द बिगिनिंग ऑफ द लेसन, क्या कह रही है वो स्कूल्स के बारे में, क्या लिखना है, ह्यूमन बींग कैसे पढ़ाएगा, स्कूल बिल्डिंग, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट दैट. बट नाउ एट द एंड ऑफ द डे शी हैज रियलाइज दैट दिस सिस्टम मस्ट हैव बीन बेटर देन दिस. ठीक है, वो तो अकेले कमरे में जाती थी, कंप्यूटर ऑन होता था, बोर हो जाती थी, या बोर नहीं होती होगी, उसको पढ़ना तो था, ये सबको पढ़ना, तो वो एक जो एक इमोशनल टच होता है वो मिसिंग होता है. राइट, सो दैट इज वाई, इसलिए वो कहे द टाइटल ऑफ द स्कूल द फन दे हैड. सो वॉट इज द लर्निंग, वॉट इज द लर्निंग ऑफ दिस लेसन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न, लाइफ लेसन जिसको हम बोलते हैं. वी हैव टू लर्न टूगेदरनेस. राइट, हमें इस तरह से रहना है कि हम किसी और की हेल्प कर पाए, और अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो वी डोंट हैव टू फील सुपीरियर टू एनी वन. ठीक है, अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो हमें करनी चाहिए, कभी हमारे कोई कर देगा. ठीक है, तो ये सारे लेसन, लिटरेचर के लेसन जो आगे आने वाले भी हम वीडियोस बनाएंगे, आप डिस्कस करेंगे, ये सारे लिटरेचर के लेसन हमें सीखने हैं, लाइफ लेसन है ये. और ग्रामर में आपने इसलिए क्या सीखना है, एडवर्ब तो आपको आना ही चाहिए जब आपका लेसन खत्म हो जाए. एक आपके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, वो है इफ नॉट का यूज़, दैट मीन्स अनलेस, इसका यूज़ भी होना चाहिए, ये भी आपको करना है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हर लेसन के पीछे जो आपका एक्सरसाइज वर्क है, प्लीज़ डू इट प्रॉपर, उसको करा करो, खाली क्वेश्चन आंसर्स मत करा करो.
ठीक है, उसको करना है. और आपके एक राइटिंग पार्ट आपको करना है, दैट वी कैन ऑल्सो डिस्कस इट इन सम वीडियो, बट आई विल गिव यू सम काइंड ऑफ हिंट अबाउट दैट. व्हाट इज दैट? अब आपको दोनों तरह के स्कूल के बारे में पता चलेगा. एक आपके स्कूल मीन्स हमारे जहाँ पर हम जैसे पढ़ाने जाते हैं और आप पढ़ने आते हैं अगर आप स्टूडेंट हो, एक तो उस तरह के स्कूल है, और दूसरे मैकेनिकल स्कूल जो टॉमी एंड मार्गी के हैं. यानी कि अगर आने वाले टाइम में अगर ऐसा हो जाता, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा नहीं लेके आना है कि वो इंसान की जगह ले ले. टेक्नोलॉजी से हमें उतना ही फ़ायदा लेना है जिससे हम इंसान बने रहें, हमारी इंसानियत जिंदा रहे, हमारा आपस में मिलना जुलना बनता रहे, हम एक दूसरे के काम आते रहें, हम एक दूसरे को देख के खुश होते रहें. ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट ऑफ हमारा ये वाला सिस्टम एंड सेकेंड मार्गी और टॉमी का, यू हैव टू राइट वेदर यू आर अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ स्कूल्स और यू आर इन फेवर ऑफ दिस काइंड. दैट इज अ राइटिंग वर्क फॉर राइट. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड वी विल बी डिस्कसिंग मैनी मैनी मोर थिंग्स इन द कमिंग वीडियोज. प्लीज इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट वी कैन डिस्कस मैनी मोर थिंग्स and we can improve our English language, और English के साथ साथ अपनी हिंदी को भी अच्छे रखें, right? Okay, bye bye, take care.